7 जनवरी को जननायक जनता पार्टी की ओर से गांव खारिया में हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डबवाली की विधायक नैना सिंह चौटाला है उस हरी चुनरी चौपाल को संबोधित करेंगी। इसके अलावा जो जननायक जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष है शीला भ्याणा, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जननायक जनता पार्टी की रानिया हलका की टीम है, वो रानिया हलका में जा करके हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम का न्योता दे रही है। तमाम सारे जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं मेरे साथ इस समय पूर्व विधायक हैं कृष्ण कंबोज, हम इनसे भी चर्चा करते हैं कि 7 तारीख को गांव खारिया, चूंकि राजनीतिक गांव कहा जाता है और इस हलके का बड़ा गांव है, जननायक जनता पार्टी का जिस दिन से बनी है उस दिन से लोगों में इतना उत्साह है, बड़ी भरा उत्साह है, जैसे कि आपने जींद में देखा रिकॉर्ड तोड़ रैली चौरी देवीलाल जी की जो पहले सन 1987 में हुई थी उससे भी रिकॉर्ड तोड़ रैली, 6-7 लाख आदमी वहां पहुंचे और इतना बड़ा जन सैलाब था भी लोग 3-3 घंटे जाम में फंसे। और उसके बाद हमने यहां दुष्यंत जी का प्रोग्राम कराया और अब हमने हरी चुनरी चौपाल का प्रोग्राम आयोजित किया है गाँव खारिया में। और हमें तो उम्मीद है जैसे हम गाँव में जा रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ महिलाएं पहुंचेंगी और नैना चौटाला को सुनेंगी। मेरे साथ गांव खारिया के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और यूं कहूंगा कि जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं गांव खारिया से, चूंकि खारिया में ही इस जो हरी चुनरी चौपाल का जो है कार्यक्रम है वो आयोजित होने जा रहे हैं। जयपाल जी, कितनी संख्या में महिलाएं हैं आपके गाँव में उमड़ेगी उस दिन? देखो जी, महिलाएं सारे गाँव के अंदर एक बहुत तकड़ा जश्न है, जोश है इस बारे में जी, और बहुत सारे लोग मतलब गिनती के तंद लोगों को छोड़ के सारे गांव की महिलाएं वहाँ आने के लिए तत्पर हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं घर घर जाकर, हम न्यूनता भी हम देंगे और बहुत सारी संख्या में, हजारों की संख्या में औरतें वहाँ पहुंचेंगी। जैसे खारिया गांव का जननायक चौधरी देवीलाल की बात करें तो उनका खास नाता रहा है गाँव खारिया से, दुष्यंत चौटाला ने जो नई पार्टी बनाई है उसको लेकर के गांव खारिया में किस तरह का जो रिजल्ट है, किस तरह का फीडबैक है, आप गांव में रहते हैं किस तरह का फीडबैक नजर आ रहा है? चौधरी ताऊ देवीलाल का जो असली उत्तराधिकारी है वो दिग्विजय दुष्यंत को मारने हैं लोग जी, और उनकी वजह से ही गांव के अंदर एक जोश है और सारे युवा हैं जो दुष्यंत के साथ है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी के हों, चाहे इनेलो के हों, सभी के अंदर जोश है और वो सारे के सारे वहाँ आने के लिए तैयार हैं। और अभी पिछले दिनों हमने दिग्विजय जी को प्रोग्राम रखा था तो हजारों की संख्या में वहाँ नौजवान पहुंचे थे, उनका बड़ी अच्छे ढंग से धूमधाम से उनका स्वागत किया था और अब लोगों का भरम और भी निकल गया, अब पूरे इलाके के लोग औरतें वहाँ पर आएंगी और बढ़िया सफल आयोजन हम करेंगे। थैंक यू। ये थे मेरे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल जयपाल ने, जिन्होंने कहा कि जो हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम है वो एक यूं कहूंगा कि बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें नैना सिंह चौटाला है वो संबोधित करेंगी गांव खारिया में और ये राजनीतिक गांव है जहां 7 जनवरी को नैना सिंह चौटाला हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम है वो आयोजित होने जा रहा है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।